प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में सभी 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य के साथ बीजेपी के चुनावी प्रचार की कमान संभालने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ बस्तर से प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने बस्तर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस को लगा कि उसके पास देश को लूटने का लाइसेंस है, लेकिन 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस का लूट लाइसेंस रद्द कर दिया और मोदी इसे रद्द करने में सफल रहे क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दे दिया। अब उनकी दुकान बंद हो गई है। सुनिए आगे प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आजादी के बाद से कांग्रेस समझती थी कि उसे देश को लूटने का लाइसेंस मिला हुआ है। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है और मोदी ये लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर पाया क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दिया था। अब आप बताइए, जब उनकी दुकान बंद हो गई, लूटने का लाइसेंस चला गया, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? तो मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? ये मेरे कोटि कोटि देशवासी ही, मेरी माताएं बहनें आज मोदी का रक्षा कवच बन गई है।